हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की सब्जी। तो अब गोभी वगैरह खा खा के कति पक गए हैं, तो आज हम बना रहे हैं बिल्कुल स्पेशल बेसन की सब्जी, और वो भी चूल्हे पे। देखिए, आग जला के मैंने पानी चढ़ा दिया है। वैसे बेसन की सब्जी तो आप लोगों को बनानी आती होगी वैसे। और देखिए, सबसे पहले हमने ये बेसन लिया है। मैंने एक कटोरी बेसन लेके और उसमें करीबन एक चम्मच के बराबर अजवाइन मिला ली है। अजवाइन से और अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। जो हम गट्टे की सब्जी बनाते हैं, अजवाइन आप जरूर डालना, हो सके तो थोड़ी सी हींग भी डाल सकती हैं। और देखिए, मैंने ये टमाटर, मैंने 3 टमाटर और 3 प्याज और छोटी सी एक अदरक की गांठ और 4-5 कलियां लहसुन की, उनको अच्छे से मैंने दरदरा सा पीस लिया है, यानी कि एक पेस्ट बना लिया है। और उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, जिसको मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में करीबन 1 लोटा पानी चढ़ा दिया है। इस पानी को हम जब तक उबाल खोलने देंगे, जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता, तो बिल्कुल उबलते पानी में। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं भूल गई आपको बताना, जिससे और अच्छा फ्लेवर, इसमें थोड़ा सा हम रिफाइंड डाल देंगे, इतना सा रिफाइंड डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो हम गट्टे की सब्जी बनाते हैं, एक तो वो बिल्कुल खस्ता बनेंगे अंदर से, और दूसरा वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। तो ये सबसे सीक्रेट तरीका है इसे बनाने का, तो आप भी ये जरूर ट्राई करना, आपकी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसको उबाल आने तक हम अच्छे से गट्टे से ढक देंगे और आग को अच्छे से जलने देंगे इसमें। तो चलिए, पहले हम ये इसका जो आटा है, इसको तैयार कर लेते हैं। और देखिए, इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी। इस ऑयल को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे एकदम जैसे हम डो बनाते हैं, यानी कि आटा गूंथते हैं रोटियों के लिए, इस तरीके से इसे अच्छे से गूंथ के तैयार कर लेंगे। अब देखिए, आटे को मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10-5 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद इसमें से हम पीस कट करेंगे। अब देखिए, ये 10-15 मिनट हो चुके हैं, अब एकदम से सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकती हैं। अब उसके बाद इसको हम ऐसे 2 पीसों में बांट लेंगे और हाथ से इसको ऐसे करेंगे। इस तरीके से करने के बाद चाकू लेंगे, चाकू में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और ऑयल लगाने के बाद इसके इस तरीके से पीस कट कर देंगे। ये 2 तरीके से बनती है। एक तो आप ऐसे पीस कट करके बना सकती हैं, ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है, और जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा आटा है, अब इसके आपको 3 लोइयां बनानी, 1, 2, ये 3 हो गई। अब उसके बाद इनको इस तरीके से ऐसे बड़े बड़े पीसों में बनाना है, और फिर उसके बाद इनको उबालने के लिए डाल देना है, और जो पीस होते हैं वो बाद में कट करना होता है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ, लेकिन मैंने कई बार क्या होता कि जब ये पूरा पक जाता है तो किसी से बनता नहीं है, तो इस वजह से एक तरीका उसका वो है जो मैंने अभी आपको बताया। तो हम इसको इसी के बराबर बड़ा कर लेंगे। अब देखिए, करने के बाद मैंने इसके 6 पीस बना दिए, यानी कि मैंने बीच में से कट कर दिया है। पानी उबल चुका है, पानी में डालेंगे इनको। आप देख सकती हैं कि पानी में कितना अच्छा उबाल आ रहा है, तो अब इनको इस तरीके से हम डाल देंगे ऐसे। इनको थोड़ा सा छोटा करके डालना होता है ताकि ये अच्छे से पक सकें। भाप की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कुछ भी, क्योंकि इसमें भाप है बहुत। तो इनको उबलने देंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पता पड़ेगा कि आप पक गए हैं कि नहीं पके हैं। अब देखिए, इनको 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये कैसे देखना है कि पके हैं कि नहीं। देखो, जब मैंने इनको डाला था तो ये बिल्कुल कढ़ाई से एकदम से बिल्कुल सटे हुए थे, यानी कि बैठ गए थे नीचे। अब ये बिल्कुल ऊपर तैरने लगे हैं, तो इसका मतलब कि ये पक के तैयार हो चुके हैं। तो इनको मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी ठंडा होने के लिए, फिर उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे।
देखिए मैंने इनको एक बर्तन में निकाल दिया और इनको ठंडा होने रखेंगे थोड़ी देर के लिए। और जो हमारा ये पानी है जिसमें हमने इसे उबाला था, इसको फेंकना नहीं है, इसे तड़के में हम यूज करेंगे, यानी कि जो हम पानी डालेंगे वो इसी को डालेंगे। अब इसमें मैंने सरसों का ऑयल कर दिया है, ये आप अपने अनुसार रख सकती हैं जितना आप रखना चाहती हैं। अब इसको हम गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें जीरा डालेंगे और फिर प्याज डालेंगे और जो हमने मसाला पीसा है उसको डालेंगे। अब देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हम जीरा डाल देंगे, जीरे को हल्का सा सुनहरी होने देंगे, फिर उसके बाद इसमें हम कटी हुई प्याज डालेंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसमें ही सारा कुछ डाल दिया, यानी कि लहसुन, अदरक अदरक हरी मिर्ची जो भी कुछ डालना था मैंने इसी में डाल दिया। आपको अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने पहले से ही सब कुछ डाल लिया है तो। इसको सुनहरी होने के बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। अब जीरा हल्का सा सुनहरी हो चुका है, अब इसमें हमें प्याज को अच्छे से भून दे देंगे, हल्का सा सुनहरी होने देंगे इसको भी। और उसके बाद जो हमने पीस लिए जब तक इनको हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पीस में इनको कट करना है, जैसे हम पनीर के पीस कट करते हैं उस तरीके से इनको पूरों जितने भी हमने बनाए इनको कट कर लेंगे। अब देखिए ये प्याज बिल्कुल अच्छे से सुनहरी हो चुकी है, अब उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया इसको डालेंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। वाओ क्या खुशबू आ रही है, काश आप ये खुशबू महसूस कर पाते। अब इसमें अभी पानी नहीं डालेंगे, इसको उबलने देंगे। पानी जब डालना है, जब पूरा पक जाए उसके बाद पानी डालना है इसमें, तो इसको पहले हम पका लेंगे। इसमें मैंने हल्दी मिर्ची सब कुछ डाल दिया है, तो इसको हम पकने देंगे 10-5 मिनट के लिए। अब देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल तेल और पानी अलग हो गया, यानी कि अच्छे से इसने तेल अलग छोड़ दिया और पानी अलग है। अगर तेल अलग छोड़ने लगे तो समझो आपका मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया। अब उसके बाद ये मैंने पूरे पीसेस कट कर लिए हैं, इनको मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए अब जो हमने पानी इसी में से निकाला था, देखिए मैंने उसको एक लोटे में कर लिया है। अब इस पानी को मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे आप अपने अनुसार गाढ़ा या पतला बना सकती हैं, तो मैं इसे ज्यादा पतला नहीं बनाऊंगी। और इसमें नमक वगैरह मैंने सारा कुछ डाल लिया है, अब इसको हम पकने देंगे। अब देखिए सब्जी पूरी पक चुकी है और जो हमने बेसन के गट्टे बनाए थे ये भी अच्छे से पक चुके हैं, और देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है।